हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मेघा साउंड ब्लॉग। अभी सुबह का 8 बज रहा है और मैंने आज लंच में आरब को ब्रेड का टोस्ट बना कर दिया था, क्योंकि आज मेरे सर में कुछ ज़्यादा ही दर्द है। रात से ही दर्द था, लेकिन मैंने थोड़ा सा सोचा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक है तो मैंने अभी मेडिसिन नहीं लिया है। देखने को ऐसे ही ठीक हो जाए तो इसीलिए हल्का फुल्का उसे स्कूल तो एबसेंट नहीं करवा सकती, तो इसीलिए मैंने उसे आज हैवी सा कुछ नहीं दिया, ऐसे ही दे दिया ब्रेड का टोस्ट बना के और उसके साथ टोमेटो केचप दे दिया है, तो उसका हो जाएगा उसी से। एक्चुअली मुझे पसंद भी है तो इसीलिए आज, और मुझे खाना भी बनाना है, वो बोल के गया है कि पनीर बनाने के लिए, तो मैं अभी देखती हूँ क्या बनाती हूँ, वो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और प्लीज़ मुझे अनसब्सक्राइब मत करना, बंद कर दीजिए आप लोग, तो थोड़ा सा वॉच कर लिया करिएगा। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में और एक भगोने में मैंने पानी चढ़ा दिया है और यहाँ पालक को मैंने रात में ही चुन के अच्छे से वॉश करके फ्रीज में रख दिया था, तो यहाँ इसे ब्लांच करने के लिए मैं रख दूँगी। इसे दो से तीन मिनट तक इसे करना है गर्म पानी में बॉयल, इसी को ब्लांच कहते हैं। तो इसे करने के बाद मैं इधर देख लीजिए, थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था, जैसा कि मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ था कि आरब बोला है कि पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए, तो पनीर थोड़ी सी थी तो मैंने सोचा पालक पनीर ही बना देती हूँ, और अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट मैंने वो सब रेडी करके रख लिया था। और यहाँ देखिए पालक भी मेरी हो चुकी है, तो इसे अब छान लेंगे, छान के और ठंडे पानी से मैं इसे अच्छे से धो लूँगी। और यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए और ये गर्म भी हो चुका है। इसमें पनीर को अच्छे से पहले फ्राई कर लेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं पनीर मेरा लगभग फ्राई हो ही चुका है। अब इसमें थोड़े से मसाले का यूज़ करेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, ताकि ये बेस्वाद नहीं लगे, थोड़ा सा टेस्ट इसमें आ जाए और अच्छा भी लगता है। इसीलिए मैंने जब थोड़ा सा हो जाइए तब आप इसे मसाले का यूज़ करिए, उसके बाद ये हो गया है। अब इसे एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल था ही, इसी में मैंने ज़ीरा को ऐड कर दिया है, उसके बाद फाइन चॉप किया हुआ एक प्याज मीडियम साइज़ का मैं इसमें डाल दूँगी, और प्याज जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद जब ये गोल्डन ब्राउन का हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट एक टेबल स्पून भर के। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, इसके बाद इसे अच्छा से थोड़ा सा भूनना है, उसके बाद सूखे मसाले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पालक को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, फाइन सा पेस्ट इसका बना लेना है। और इधर देखिए मेरा हो गया है मसाला, तो इसमें डालेंगे अब सूखा मसाला। तो सबसे पहले धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, भुने जीरे का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आप डालिएगा, उसके बाद हल्का पानी डालकर इसे मिक्स करके थोड़ा सा पका लें। मसाला मेरा अच्छे से भुना गया है, अब इसमें पालक की प्यूरी को ऐड करेंगे और एक से दो मिनट इसे भी भुनना है, ताकि इसका थोड़ा सा वो कड़वा वाला जो स्वाद है वो चला जाए। वैसे ब्लांच करने के बाद इसका लगभग अच्छा हो जाता है स्वाद, लेकिन फिर भी मसाले के साथ थोड़ा सा भुनना चाहिए, तो मैं यहाँ पर भूनती हूँ। तो उसके बाद भुनने के बाद ही इसमें पानी का यूज़ करेंगे और उसके बाद पनीर डालेंगे, तो आगे प्रोसेस आप देखते रहिए। Thank you.
यहाँ पे देखिए ये अच्छे तरह से खोल गया है पानी के साथ। अब इसमें गरम मसाला ऐड करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक पॉट में चलिए ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हे गाइस, तो अभी 1 बज रहा है और मैं जा रही हूँ मार्केट। कुछ मुझे ख़रीदना है, घर का भी सामान ख़रीदना है और बच्चे लोगों का कपड़े ख़रीदने हैं क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है, तो उसके लिए। तो चलिए मार्केट में मैं क्या क्या ख़रीदती हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और अभी हूँ फ़िलहाल रास्ते में, आप लोग देख सकते हैं तो कीचड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए रास्ते में ज़्यादा मैं आप लोग को दिखा नहीं सकती। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, आपको सारी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं फाइनली पहुँच गई हूँ बच्चे के शॉप में। तो यहाँ दोनों, आरव के लिए भी लेना है और बेटी के लिए भी लेना था, तो इसीलिए मैं इसी में आती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा कलेक्शन आया हुआ है। तो यहाँ मैं एक एक करके देख रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी जो है वो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही थी, तो मैं उसे भी थोड़ा सा दिखाती हूँ। अब देखिए, कभी वो बैठ जा रही थी, कभी वो कपड़ा इधर उधर करने लग रही। ख़रीद लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फाइनली मैं सारा कुछ ख़रीद के आ गई घर। मैं जहाँ जहाँ भी गई उसका ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे थे साथ में और मेरी बेटी कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। तो यहाँ मैं नहा वहा के फ्रेश होके बैठ गई हूँ आप लोगों के साथ सामान को शेयर करने के लिए। तो एक एक करके मैं दिखाती चली जाऊँगी। जो ग्रोसरी का सामान मैंने ख़रीदा था ना, वो आप लोगों को दिखाना ही भूल गई वहाँ जो मॉल में गई थी मैं। तो एक्चुअली में था क्या, बच्चे को भी पकड़ना, सामान भी लेना और शूट भी करना, तो मेरे से ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो चलिए अब सामान दिखा देती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपना कुछ कुछ, जैसे कॉम्ब हो गया, लिपस्टिक हो गया, लिप बाम हो गया, उसके लिए मैंने ये ख़रीदा हुआ था और स्टेफ्री मैं यूज़ करती हूँ तो वो ख़रीदा था। उसके बाद बच्चों के लिए हॉर्लिक्स ले लिया था, ये नया पैक आया हुआ है, तो इसका डब्बा का जो कंटेनर है वो कुछ थोड़ा सा लुक इसका बहुत अच्छा कर दिया है। उसके बाद मैंने इसे सूज ख़रीदा है इसके लिए, इसका बार बार बहुत जल्दी ही छोटा हो जाता है। तो और ये पंजाबी तड़का ख़रीदा है और स्कॉच ख़रीदा था बर्तन मांजने के लिए। यही सब ग्रोसरी में जो सामान है वो मैं आप लोगों को दिखाते चली जाती हूँ, तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो में। और अगर किसी भी चीज़ का प्राइस आप लोगों को जानना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको प्राइस उसका बताऊंगी। और यहाँ पे ये मैंने छोटा सा एक बैग ख़रीदा है क्योंकि जब बेटी को कहीं ले जाती हूँ ना, तो इसका एक दो कपड़ा रहता है, 5-6 डायपर रहता है, पानी का बोतल, उसके बाद थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ें बच्चों के लिए, तो ले जाने में काफ़ी दिक्कत होता था, तो मैंने उसके लिए एक बैग ले लिया है, अब ठीक रहेगा। और इसमें सामान भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। और यहाँ जो सामान वहाँ पर मैंने ख़रीदा था ना, थोड़ा बहुत तो मैं इसमें डाल ली थी ताकि बैग थोड़ा सा हल्का रहे। और इसी तरह से मेरा शॉपिंग चलते रहता है घर के सामान का, आप लोगों का भी तो इसी तरह से चलता होगा, तो आप लोग ज़रूर से शेयर करिएगा। और इसमें फाइनली है सरप्राइज़ कि मैंने कपड़े ख़रीदे हैं, लेकिन ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, फिर कभी अगले वीडियो में दिखा दूँगी आप लोगों को। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।